कंकाल रूपां कमनीय स्वरूपां कामिनी कालमूर्तिं खम 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 खड़गहस्ता खम खम वचनां खरवनीलोत्पलाभां गम 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 गर्भ खरवां गजरिपु गमनां गांधार राग प्रियां घम 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 घोर रूपां घट घटी तरवां पातु मां देवी दुर्गे डम 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 ऊर्ध्वरेतां मनमोहन करां ऊर्ध्वमुखी त्रिनेत्रां चम 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 चंद्रहासां चकित सहचरां चारुनेत्रां चिकुरां छम 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 छिन्नमस्तां छन छन मनां छिन्न देहा च छन छदमा जम 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 जोगरूपां जगन्मोहन करां पातु मां देवी दुर्गे झम 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 झंपा झंपा झम झमित झमा झंका झंकार घोरा न्यम 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 नारसिंही नरहरि स्वरूपा निंदनीया नंदना टम 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 टार घोरा टक टक हसिता टंक हस्ता तिरौद्रा ठम 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 चंद्र बीजा स्वशिर सिधरा पातु मां देवी दुर्गे पातु मां देवी दुर्गे जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटी असी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीनदयाल अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्टद्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरी ये अकिंचनर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु आपणकर अभय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम जय जगन्नाथ टीभीरे सीधा प्रसारण माध्यम रे मध्यान समय रु जो दर्शन आपण करुछंती अद्भुत दर्शन मध्यान समय रो दर्शन प्रातः काल रो दर्शन मध्यान समय रो दर्शन एवं सायंकाल रो दर्शन ये त्रिकाल रो दर्शन रो महिमा स्वतंत्र एवं त्रिकाल रो संध्या मध्य करिबा पई शास्त्र रे विधान रही तेणु ये मध्यान समय रो जो दर्शन अति दिव्य दर्शन करुछंती घरे रही दूर रे रही मोर बापा माँ भाई भुनी माने घरे बसिछंती कार्य मध्य चालुची किंतु जय जगन्नाथ टीवी लागी छी आ जय जगन्नाथ टीवी रे महाप्रभु को दर्शन सहित प्रभुंकर कथा को मध्य श्रवण करुछंती तेणु मोर बापा माँ भाई भुनी माने जो माने घरे रही दर्शन करुछंती जय जगन्नाथ टीवी रे आपणंकु ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश रु विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुची एवं आपणकर हृदय मंदिर रे जो जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करिछंती तांकु प्रणाम करी आसंतु आजिर प्रसंग आलोचना करिवा कथा को श्रवण करिवा आ महाप्रभुंकर दर्शन करिवा आहा कहु कहु प्रभु दर्शन देलेनी कि सुंदर कला डोला चका मुख पद्म नयन कु दिसे माधुरी केडे सुंदर महाप्रभुंकर मुख भक्त जन चित्त चातक उल्लास बरसी आसे की करुणा बारी भज नीला चल बिहारी रत्न सिंहासन रे प्रभु बसी छंती आ भक्त रो हृदय मध्य भक्त कहूची प्रभु आपण तो रत्न सिंहासन रे बसी छंती एडो बड़ो ठाकुर आपणकर सिंहासन भी एमिति समिति नुआ रत्न सिंहासन अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक शतकोटि ब्रह्मांडर मालिक प्रभु जो सिंहासन रे विराजमान करिछंती ताहा रत्न सिंहासन एवं शिल्प शास्त्र रे
रत्न सिंहासन। रत्न सिंहासन कौन कहीं तार नाम रत्न सिंहासन है। रत्न सिंहासन तले किए कहे लक्षे शालग्राम अच्छा किए कहती अनेक माणिक्य रत्न ता भितर प्रथित अच्छा माने पोता जाइए किए केते कथा कहती किंतु वास्तव में आज्ञा रत्न सिंहासन कौन रही रहस्य शिल्पशास्त्र रत्न सिंहासन ये संपर्क आम आज आलोचना करवा आम भल भाव पुंखानुपुंख भाव चर्चा करवा एवं जहाँ भक्त मान एक सूचना रही घरे बसी निज टीवी परदारे पुरी रु प्रत्येक दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ सीधा प्रसारण रे दर्शन करी जय जगन्नाथ टीवी रे निजर दिन को मंगलमय करंतु आ महाप्रभुंकर वर्ष सारा हेउतिबा समस्त दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। आ जय जगन्नाथ टीवी देखिबा पई आपनकर डीटीएच ओ केबल ऑपरेटर सहित जोगाजोग करंतु आ महाप्रभुंकर दर्शन करंतु। जय जगन्नाथ टीवी तो आज्ञा एते लोकप्रिय ता प्राप्त हासिल करिसंती जय जगन्नाथ टीवी जेतेबेले कटी गला मझीरे आपण जानिथिबे रथयात्रा समय रे भक्त माने मोर बापा मा भाई भणी माने पागल प्राय हो गले कहला आमे प्रभुंक दर्शन करि पारु ना जे आमको भल लागुनी आदो आमे कौन करिवु एवं अनेक भक्त जेतेबेले देखा होंती कहंती आमे तो आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी पई पागल काहेकि ना सेतरे प्रभुंकर दर्शन प्रभुंकर दर्शन सहित तो वर्ष सारा समस्त दिव्य लीलार मध्य दर्शन जानी यात्रा पर्वपर्वाणी केते कथा आमे देखुचु आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी रे केते कथा जानिबा को पाउचु प्रभुंक विषय रे जानि नथिवा कथा देखि नथिवा कथा देखुचु जानि नथिवा कथा जानुचु सिखि नथिवा कथा सिखुचु ये केवल जय जगन्नाथ टीवी जोगु संभव आहा अति अपूर्व दर्शन बड़ देउळर दर्शन आपण करुछंती जो दिव्य प्रासाद श्रीवत्स खंडशाला बड़ देउळ को आपण देखुछंती मुख्य मंदिर प्रासाद देखिबे सेई सिंहासन रे बसिछंती अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक भगवान जगदीश जगन्नाथ एवं ये जो रत्न सिंहासन आपण देखिबे रत्न सिंहासन रो महिमा रत्न सिंहासन रो रहस्य शिल्पशास्त्र रे रत्न सिंहासन रो कौन रहिछि प्रसंग आज्ञा ये अष्टादश शताब्दी रो भक्त कवि आर्तदासंकर गोटे प्रसिद्ध भजन आज्ञा मन पड़े कौन से भजन टी प्रभु की सुंदर दिश बसी रत्न सिंहासने प्रभु की सुंदर दिश पापी माने तरी गले पाई तुम्ह दर्शन प्रभु की सुंदर दिश बसी रत्न सिंहासन प्रभु की सुंदर दिश तेणु श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ आदि सप्तधा विग्रह कहले आपण कहे आम तो जानी चतुर्धा विग्रह आपण कौन सप्तधा विग्रह कथा कहते सप्तधा विग्रह बसंत आज्ञा रत्न सिंहासन रे जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु भगवती देवी सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति एवं श्रीदेवी भूदेवी महाप्रभुंकर दुई पार्श्वरे एक भार्या प्रकृति अचला चंचला साद्वितीया गोटे भार्या होती चंचला आउ जने होती अचला प्रकृति भूदेवी एवं चंचला होती लक्ष्मी श्रीदेवी छह आउ जने किए आउ जने होती माधव विग्रह जगन्नाथ महाप्रभुंक परी अविकल एक छोट जगन्नाथ बोली आपण कही पार माधव आज्ञा माधव होती मुख्य तेणु सप्तधा विग्रह जगन्नाथ आदि सप्तधा विग्रह जो सिंहासन उपरे विराजित ताहा होची रत्न सिंहासन नाम प्रसिद्ध रत्न सिंहासन आपण कहे कहीं आम तो मंदिर को जाइचु आम तो देखीचु ताहा रत्न नुह रत्न बोले कौन रत्न कहिले सुना को आम रत्न कही था बा अनेक प्रकार रत्न अच्छी तथापि रत्न कहिले आम सुवर्ण को बुझी था जे हाँ रत्न सुना को रत्न बोली कह जाए जेकोसी मूल्यवान रत्न किंतु आपण कहे आम तो मंदिर जाइचु देखीचु कला मुगुनी पथर रे तैयारी निर्मित किंतु ये रत्न सिंहासन कथा कौन आपण कहते
ଓହୋ, ସିଂହାସନର ନାମ ବୋଧେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ନାମ ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହେଲା? କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା? ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ମନୁକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନୁହଁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତାର ନାମ, ତାହା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ, କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାହା ନିର୍ମିତ, କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତର ପଥର। ଏବଂ ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିବେ, ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖିବେ, କେତେ ନା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 16 ଫୁଟ, 16 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ନା? ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି 13 ଫୁଟ, 13 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା, ଯଦି ଉଚ୍ଚତା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 4 ଫୁଟ। ଏବଂ ଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ନାମ? ନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ କୁହାଯାଏ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାଗ୍ରଜେନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଯା ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚକମ୍ ଏଇ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଇଏ ଧ୍ୟାନଟି ରହିଛି, ବା ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ଇଏ ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲାଗିଛି, କିଏ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭୋଜନ ସାରିକିରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆଗରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନର ମୁଖରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତସ୍ତତ ଭକ୍ତମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 22 ପାହଚକୁ ଦେଖି କିଏ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ 22 ପାହଚକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି କହିଲେ ନା 22 ପାହଚ ଦେଇକରି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଏତେ ବାଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଉଠେଇ ଦିଅ ତୁମ 22 ପାହଚ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼ା ପାହାଚ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଡ଼ା ପାହାଚ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଚରେ ଆପଣ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ, ଏଠି ଚଢ଼ିବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିଲେ ତା'ର ମହିମା ରହିଛି, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯିବେ, କୌଣସି ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାବଚ୍ଛ ଦେଇକରି ଆପଣ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରେ ତା'ର ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ, କ'ଣ କରେ, ବାବୁରେ ଟିକେ ଗଡ଼ିକିରି ଯା ହାରି, 22 ପାବଚରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିଯା। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ା ପାବଚ୍ଛ, ଏଠି ଗଡ଼ା ପାବଚ୍ଛ, 22 ପାବଚରେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତର ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏବଂ ଏଇ ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା? ରତ୍ନବେଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବକାଳରେ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମଧାରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥିଲା। ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର, ସିଏ ସିଂହାସନ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ରୂପରେ ନୀଳାଦ୍ରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜିତ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଦେବତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୀଠ ବା ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ରହିଛି ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ତାହା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହାସନ ବା ପୀଠ ତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁ ଧାତୁ ବା ରତ୍ନ ପଥର ଆଦି ପ୍ରୋତ୍ଥିତ କରି ମାନେ ପୋତା ଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ
ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆଜିକାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସିଂହାସନ ତଳେ କିଏ କଏନ୍ ପକାଇବେ, କିଏ ସୁନା କଏନ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ପକାଇଥାନ୍ତି, କିଏ ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସୁନା ହେଉ ରୂପା ହେଉ ଧାତୁ ରତ୍ନ ଆଣିକରି ସେଠି ସବୁ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣର ବିଧି ରହିଛି, ପୀଠ ବା ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅଛି, ସେହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ବା ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତା ତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିମ୍ବା ରତ୍ନ ପଥର ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ଥିତ କରାଯିବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଆଉ ସେହି ପୀଠରେ ସେହି ସେଥିରେ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ହୀରକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା। ବ୍ରହ୍ମଶିଳା କହିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ବୋଇଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ବ୍ରହ୍ମଶିଳା କହିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଦି କି ପ୍ରୋତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ରଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର! ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା, ରଥକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି? ହଁ, ଆସିକରି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ରଥ, ଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ସେଇଠି। ତଥାପି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ରଥକୁ ଟିକିଏ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ରଥକୁ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଟକନା ତ ଅଛି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ରଥରେ ତ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ଯେହେତୁ ଆବରଣ ଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଥର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଏତେ ମହିମା ରହିଛି, ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭଳି କଳିମଳ ଗ୍ରସିତ ଜୀବ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ଆଲୋ ବୋଲୋ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ କିଏ ମହିମାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯଦି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ପାଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରଦଙ୍କ ଦାଢ଼ିରେ କଣିକାଟିଏ ଲାଗିଥିଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ କଣିକାଟିଏ ପାଇଲେ, ମୋର ତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ କଣିକାଟିଏର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ଭାଗ କାହିଁ, ମୋତେ ତ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମାନେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରଗଟ ହେଇକିରି କହିଲେ, ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ହେ ଉମା, କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଲୀଳା କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମହାପ୍ରସାଦ ମୋତେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆଗ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୈରବ ହେଲେ ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ, ତେଣୁ ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ, ଭୈରବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ଭୈରବ, ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭୈରବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୈରବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୈରବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଶାକ୍ତ ମତରେ, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ, ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ, ତେଣୁ ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟାଶକ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତା। ତେଣୁ ବିମଳା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଙ୍କର, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏକାଧାରରେ ଦେବୀ ବିମଳା, ପୀଠ ଦେବୀ ବିମଳା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ, ଦେବୀ ଭାଗବତ କାଳିକା ପୁରାଣ
इत्यादि सब ग्रंथ शाक्त ग्रंथ मानक शाक्त पीठर वर्णना प्रसंग जो आसे विमल प्रदा विमला प्रसंग आसी थाए आज्ञा तेणु एटि विमला होती भैरवी रसना उग्र देशे च विमला पुरुषोत्तमे तेणु जगन्नाथ जेतेबेले महाप्रभु को भोग लागे विमला को से नैवेद्य जेतेबेले समर्पण करा जाए कौन कह जाए कैवल्य भोजिनी देवी विमले विमल प्रदे गृहाणातु हरि कैवल्यम सृष्टि स्थित्यांतकारिणी तेणु देखु विमला यहपर भाव विमला भैरव जत्र जगन्नाथस्तु भैरव आमला सहित जगन्नाथ संजोग समस्त गोटे विस्मय कर दिए कारण सबू अतिक्रम को व्यतिक्रम कर महाप्रभु तर पराक्रम ये देखते सबू व्यतिक्रम को अतिक्रम कर महाप्रभु तर पराक्रम ये देखते जगत को तेणु शक्ति उपासन देखिए सारला दास महिषामर्दिनी सारला परम वैष्णवी वमर विष्णु बल्लभी रूप में वर्णना कर जय जय सारला गो विष्णु बल्लरी जय जय सारला गो परम वैष्णवी तेणु जगन्नाथ सहित माँ विमला संपर्क एवं ये दुर्गा माधव उपासना रही तेणु जेतेबेले विमला अर्पण करा जाए महाप्रभुंकर कैवल्य कैवल्य भोजिनी देवी विमले विमल प्रदे आहा प्रभुंकर दर्शन अनेक प्रकार माळ प्रभु परिधान करिछंती केटे सुंदर मुख भक्त कहंती प्रभु यही मुख को देखी देखी दिन सरी जानता कि प्रभु यही मुख को देखी देखी यही मुख को देखिकी प्रभु मो दिन आरंभ हो यही मुख को देखिकी मोर दिन शेष हो तुमको देखु थाए तुमको भजु थाए तुमको डाकु थाए तुमको चिंतु थाए तुम्हें हूच मोर मुझे तुम प्रभु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते तेणु ये संसार कौन ना यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे ये संसार दुस्तर संसार रु पारी केतेबेले हवा जेतेबेले जगन्नाथ को पाद को धरिबा जगन्नाथ को धरिबा को पड़िबा जगन्नाथ को छाड़ी देले किछि नाही प्रभु जी आपण को आश्रय करिछि प्रभु निराश्रय रो आश्रय होचंती आपण निराश्रयं माम जगदीश रक्ष्य निराश्रय आसिकी तुम बड़दाण्ड में कहे प्रभु को आपण को देखी प्रभु ये निराश्रय को रक्षा करंतु नाथ आउ रक्षा कला वाला जगत रे कही नहीं आम को आपण ही रक्षा करेंगे रखिले रख जगन्नाथ कही नहीं रखता आउ नहीं रखता तुम्भे न रखिले भासिली सुनी हुआ चिंता आपण न रखिले आउ किए रखिबो मणिमा आपण ही रखिबे प्रभु आहे मणिमा एवं प्रभु जो रत्न सिंहासन रे विराजमान करिछंती बसिछंती सेई रत्न सिंहासन रे रत्न सिंहासन तले विभिन्न कोण रे अनेक प्रकार रत्न सब प्रोत्थित होदि आप देखिए अनेक प्रकार रत्न श्रीमंदिर श्री जगन्नाथ आदि सप्तधा विग्रह जो सिंहासन उपरे विराजित ताला रत्न सिंहासन नाम प्रसिद्ध तेणु अनेक देखिए आपण अनेक मूल्यवान धातु प्रस्तर सहित लक्षे जीवंत शालग्राम प्रोत्थित कथित हुए एवं ये प्रमाण आपण देखिए नीलाचल तत्वसंधान परिषदर पत्रिका जो तत्वदर्शी नामक पत्रिका 2000 मसीह जोटा प्रकाशित होता से
एक प्रबंध अनुसार देखिए श्रीमंदिर रत्न सिंहासन अष्ट दिगरे विभिन्न रत्न सब पोता जा श्रीमंदिर रत्न सिंहासन आठटा दिगरे अष्ट दिगरे विभिन्न प्रकार नाना प्रकार रत्न प्रथित आपण शुणिले आश्चर्य हे से रत्न सिंहासन कौन कौन पोता जा पूर्वरे आपण देखिए पूर्वरे हीरक हीरक बोले वज्र हीरक पश्चिम वैदुर्य उत्तर विद्रुम दक्षिण रे मुक्ता ईशान्य इंद्रनील अग्निकोण रे स्फटिक नैऋत कोण रे पुष्पराग वायुकोण रे चंद्रकांत एवं मध्यभाग रे ब्रह्मराग बा ब्रह्मज्योति हीरा पोता जाए यार नाम रत्न सिंहासन से रत्न सिंहासन तले अनेक प्रकार रत्न हीरक वैदुर्य विद्रुम मुकुता इंद्रनील स्फटिक आमर पुष्पराग चंद्रकांत ब्रह्मराग बा ब्रह्मज्योति हीरा गोटे रही ब्रह्मज्योति हीरा से हीरा जदि आप अंधारे रखिदेवे लाइट आवश्यक पड़ोन आलोकर आवश्यक पड़ोन एवं यह कहुए लोक मुखर एवं कथा अच्छी पुरीर अनेक पुरुखा लोक मैंने वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने बा महाप्रभुंकर सेवक मान मुखर आमे पिला बेलु सुनिचु जे प्राचीन काल रे श्रीमंदिर भितर एपरी एक रत्न थिला बा एपरी एक हीरा थिला जद्वारा श्रीमंदिर आलोकित होतला सेइतिरे तनु सेइतिरे श्रीमंदिर आलोकित होतला एमिति ज्योति से हीरा भितरु बाहरुथला तनु केते प्रकार देखिले आपण हीरा रत्न पोता जाइछि रत्न सिंहासन तले ब्रह्मज्योति हीरा जहाँ को ब्रह्मराग बोली कह जाए चंद्रकांत सुपटिक इंद्रनील विद्रुम वैदुर्य हीरक ये सब पोता जाइछि रत्न सिंहासन तले यार नाम रत्न सिंहासन एवं अन्य मत जदि आप देखिए अन्य मत अनुसार आज त्रिमूर्ति श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर देवी सुभद्रा होती त्रिरत्न तेणु यही त्रिमूर्ति जैन त्रिरत्न एवं बौद्ध त्रिरत्न परिवर्तित रूप एणु त्रिरत्न विराजित तो सिंहासन होती रत्न सिंहासन ये मध्य गोटे तथ्य एवं ये रत्न सिंहासन संपर्क तो आप शुणुले शिल्पशास्त्र रत्न सिंहासन एवं एपटे रथ आपण देखुचंती एवं जो रथ महाप्रभु तांकर यात्रा को संपन्न करी फेरिछंती एवं रथ धीरे धीरे रथरे पार्श्वदेवता नाहंती सारथी नाहंती घोड़ा नाहंती किंतु रथरे आपण देखिबे आवरण मध्य रही विराटकाय रथ आउ विराटकाय आवरण मध्य सेपटे स्नान मंडपर दृश्य भक्तटीए जेतेबेले स्नान मंडपरे दंडायमान हुए बा छिड़ा हुए बड़दाण्डर अति दिव्य दृश्य देखा जाए सेठ भारी सुंदर देखा जाए बड़दाण्ड आउ सेही दृश्य को भक्त माने एठी देखुछंती आउ केही केही भक्त मध्य आपण देखिबे महाप्रभुंकर जो स्नान वेदीर जो चक्का रही सेही चक्का आसन उपरे प्रणाम मध्य करुछंती एपटे आनंद बजार रे मध्य आपण देखिपारुछंती कारण जहाँ जदि आप देखिए श्रीमंदिर वर्तमान नीति कौन ना मध्यान धूप पूजा बसी महाप्रभुंकर दीपर धूप पूजा बसी भोग बाहर भोग को भोग बाहर प्रतीक्षा कर भक्त मान मध्यान धूप पूजा बस पटे अरुण स्तंभ तोरण लक्ष्मी सिंहद्वार अपूर्व दृश्य पतित पावन नारायण मुख आ भक्त माने से सिंहद्वार गुमुट मार्ग देकरी श्रीमंदिर मध्य को प्रवेश करुछंती तेणु महाप्रभुंकर जिते कथा आपण एठी देखिबे जिते कथा समस्त कथा रहस्यमय तेणु प्रत्येक कथा रहस्यमय सेतबे कहे छि सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्यं देवा न जानान्ति कृतं मनुष्य
आउ यही बलियार भुज ठाकुर आंकु जे भरोसा करिछंती प्रभु समस्त को दया करिछंती जे केवल भरोसा करिछ केवल कहि देछि हात दुईटा टेकी देकरि प्रभु को डाकी देइछंती हे महाप्रभु रक्षा कर आउ पारिलुनु हात टेकी देले ये ठाकुर आगरे ये ठाकुर कहंती अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तेणु केवल मो शरण को पलैया अनन्य रूप से मत चिंता कर तेणु भक्त मान आसी पाद धौत पूर्वक पाद को प्रक्षालन करुछंती मंदिर को आम जीवा शास्त्र दुईटी कथा कहते आम मंदिर को जाऊे घर को जाऊे भल भाव पाद धोक घर कि मंदिर को ना मंदिर आम जो जाऊे दर्शन करने यदि पादटी को न धोवा तेज आम बर्षकर पुण्य नष्ट हो जाए आपण कहे केमी ना हाँ बिना पादे न धोते न स्नात्वा गच्छति मंदिरम संवत्सरम कृतं पुण्यम तत्क्षणात् देव नश्यति तत्क्षण गोटे बर्षकर पुण्य नष्ट होते मात्र सन्देह ना तेणु पाद को धोई प्रवेश करुछंती भक्त मान आ भक्त टी जो श्रीमंदिर भितर को प्रवेश कर जाए ये महाप्रभुंकर मर्त्य वैकुंठ देवतांग पाई ये दुर्लभ किंतु कलिकाल मनुष्यों निमंत ये सुलभ आउ ये भवसागर रु उद्धार करिबा निमंते महाप्रभु विराजमान करिछंती कलिजुगे हरि निजे नीलगिरी श्वेत पीत कृष्ण वर्ण कमल पयरु बहे मकरंद तेणु कलिजुगर भगवान एठी विराजमान करिछंती आउ भक्त मान को कृपा करुछंती अशरण को शरणागति प्रदान करुछंती भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ जहांकर नाम से जगतर मालिक ये नीलाचल क्षेत्र में विराजमान करिछंती एवं दिव्य धाम शंख क्षेत्र नीलाचल धाम दशावतार क्षेत्र तेणु नीलाचल क्षेत्र ये महाप्रभुंकर भाषा तत्वर वर्णना अनुसार तीनोटी पर्वत आज्ञा नीलाचल नाम रे परिचित कौन कौन ना उत्तर नीलाचल आप देखिए आसाम प्रदेश रे कामाख्या पहाड़ जोटा कह दक्षिण नीलाचल दाक्षिणात्यर नीलगिरी पर्वतमाला पूर्वपटे पूर्व नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित आ पूर्व नीलगिरी उत्तर सीमा पुरी जिला को लगी क्षेत्र को नीलाचल बोली कहते आउ श्री विष्णु यही क्षेत्र में अवस्थान करुथवार स्कंद पुराण रे सूचना रही दिव्य धाम स्कंद पुराण अनुसार देखिए जेहेतु यही क्षेत्र विष्णुंकर निवास स्थल ब्रह्मांक सहित अन्यान्य देवगण एठारे महोदधिरे स्नान करी श्री माने महाप्रभुंकर दर्शन करिथंती तेणु यही क्षेत्र होची दिव्य धाम नाम रे परिचित शंख क्षेत्र श्री जगन्नाथ संस्कृतिर आधार ग्रंथ भाव परिगणित होता कौन ना स्कंद पुराण से स्कंद पुराणर वर्णना अनुसार ओ यही क्षेत्र जदि भौगोलिक स्थिति बा आकार देखिबे एक दक्षिणावर्त शंख सदृश होतबारु ये क्षेत्र को मध्य शंख क्षेत्र मध्य कहा जाए दशयोजन विस्तीर्णम दस योजन विस्तृत ही क्षेत्र समुद्र रु आरंभ होइगिरी बालुका राशि रे समाविष्टित महाप्रभु क्षेत्र आउ एहार मध्यस्थल बृहत नील शैल पर्वत द्वारा परिशोभित शंखर आपण देखिबे उदर भागटी शंखर पेट पेट जोटा को कहा जाए उदर भाग सी समुद्र जल रे निमग्न आउ निम्नांश मध्य समुद्र रे लुचिकरी रही ब्रह्मपुराण अनुसार शंख क्षेत्र लंब हूँ दस योजन एवं ओसार पांच योजन एक योजन चारि कोश बा एक कोश हूँ के दुई माइल
तेणु पुराण कथा अनुसार विष्णु हस्तरे मृत्युवरण करिथिबा एक दैत्य शंखासुर नाम अनुसार यही क्षेत्र रे नाम शंख क्षेत्र होइछि। तेणु स्कंद पुराण रे श्री विष्णु दैत्य गयासुर को वध करि विजयर स्मारक स्वरूप तांकर आयुध शंख को पुरुषोत्तम क्षेत्र रे संस्थापन करिथिले। आउ एही क्षेत्र रो मूर्धन्य होउछि कोन ना पश्चिम सीमा अग्रभाग रे नीलकंठेश्वर अवस्थान करंती, नाभिस्थल रे रोहिणी कुंड, अक्षय वट महाप्रभुंकर आस्थान विद्यमान जोटा को रत्न सिंहासन बोली कह जाए। आउ शंखर मध्यम स्थान रे माँ अर्धासिनी रही भार्गवी नदीकूल आमर रही कपालेश्वर शंख क्षेत्र प्रतिहारी एवं इंद्रदम्न सरोवर कूल नीलकंठेश्वर होती क्षेत्रपाल भाव ख्यात। शंख क्षेत्र आद्यरे बेलेश्वर शेषातर प्रभु लोकनाथ अच्छा तेरे क्षेत्र में महोदधी महावेदी पंचतीर्थ पुराण प्रसिद्ध पुष्करिणी अष्ट शंभु अष्ट चंडी यज्ञ नृसिंह गुंडीचा मंदिर चक्रतीर्थ स्वर्गद्वार प्राचीन आमर ऋषि मानकर आश्रम मठानुष्ठान ये सब कथा उपस्थित जो ये क्षेत्र टी आज्ञा गोटे आध्यात्मिक क्षेत्र प्रभुंकर तेणु महाप्रभुंकर दर्शन भक्त माने करिवा निमंते प्रवेश करुछंती कोठी ना सिंहद्वार मार्ग देकरी श्रीमंदिर मध्य को प्रवेश करुछंती। तेणु ये प्रभुंकर क्षेत्र आ प्रभु मध्य भक्त मान डाकुछंती आस 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 मो शरण को केवल पलिया कली जुगे विजे करी बौध अवतारेण बेनी भुज टेकी प्रभु जाचु अछ शरण आहे नील शैल। तेणु महाप्रभु एठी बेनी भुज को टेकी देइछंती ये देखिबो से कहिबो पते प्रभु मते आलिंगन करिवा पई डाकुछंती एपरी ठाकुर आउ जगत रे कोठी कहिले जगत भितरे नाही एमिति दिया भक्त पाई जाखिरु झरई लुह भक्त पाई जाखिरु झरई लुह भक्त पाई जा आखिरु झरई लुह भक्त पाई आखिरु लुह झरामती मणिमा जगत भितरे जेतक ठाकुर सभीए कहंती मुंडिया पका जुआरे जीवे आपण जेकोसी तीर्थ को जातु धाम को जातु सब जगह कौन करेंगे मुंडिया पकेबे गोटे भितरे गोटे ठाकुर खाली कहे मते कुंडेई पका खाली कहे मते कुंडेई पका जगन्नाथ पाखक जी आसव देखीदेव गरुड़स्तंभ पछपटू प्रभु कौन जो मुमुक जगह को जाती से कौन चतुर्भुज नारायण रूप से अच्छा मुमुक जगह को जाती से कौन हाथ में धरी कौटी चक्र धरी कौटी गदा शंख चक्र गदा पद्म कौटी बंशी धरी कौटी धनु धरी कि कौन प्रभु किसी धरी ना आउ दुई भुज को ऊपर को टेकी आलिंगन करने डाकुंट तेणु जगत भितर जतक ठाकुर सभीए कहती मुंडिया पका गोटे भितर गोटे ठाकुर खाली कहे मते कुंडे पका मते आलिंगन करदे रसानंद राधा सरसव पुरालिंगन सुख राधा कृष्णंकर मिलित तनु महाप्रभुंकर ये विग्रह तेणु किए जानिबो साधारण मनुष्य आमे तांकर रहस्य को जोटी ब्रह्मा शंकर दुई हाथ को जोड़ी दे छिड़ा होती गरुड़ स्तंभ पछपटे रहस्य को किए जानव सत कौटी ब्रह्मांडर मालिक यांको ऊपर आउ कई ना ये समतंग ऊपर तेणु ये सबू तू ब्रह्मा रुद्र
विष्णु तू ही तो बिनु अन्य गति नाही। आपण को छाड़ी देले गति नाही प्रभु। स्नान मंडप पर प्रभुंकर चका आसन, चका आखि प्रभुंकर चका आसन मध्य चका, आउ विजय हुंती मध्य चका उपरे महाप्रभु पिंडी चका पिंडी स्नान विधिर जो चका देखुचंती आपण ये चका आसन को भक्त माने स्पर्श करी हाथ रे अरे अरे मो प्रभु एठी बसंती स्नान पूर्णिमा दिन मो मालिकंकर ये आसन तेणु तांक गादी को प्रभुंकर गादी को चिंता करी मन मन प्रणाम कर दौंती परस्पर भितर कहती हे जुहार हो बाबूरे मुंडिया मारे एठी पिला माने मध्य पचारंती बहु ये कौन ना ये ठाकुर आसन छोट छोट पिला माने जो माने आसी थांती बापा माँ सहित दर्शन करिवा पाई से माने पचारंती आज्ञा तेणु भक्त पिला बेलू जदि आपण भगवानंकर भक्ति भगवानंकर कथा संस्कार आपण पिला मानंकु दे देबे छोट पिला बेलू तेणु गच्छ आपण जेमिति जत्न नेबे आपण सेमिति फल पाइबे पिला बेलू जदि संस्कार देइथेबे जगन्नाथ विषय दीपद कही थे आज्ञा बड़ हेले आपण वृद्धाश्रम को जीवेनि पुओ पुओ माने बड़ हो गले आपण को वृद्धाश्रम छाड़ी देके आसिबनि यदि रघुनाथ विषय कहे राम विषय पितृमातृ भक्त पितामाता किपर भक्ति करवा दरकार भगवान आमको शिखे ना राम अवतार आहा बोझे महाप्रसाद आसला टी प्रणाम करदे मोर बापा माँ भाई भौनी माने जो माने घरे रही दर्शन करुछंती महाप्रसाद को प्रणाम कर दिंतु ये महाप्रसाद एत महिमा ये महाप्रसाद एत शक्ति आज्ञा रही किए कह का मुखर से सामर्थ्य अच्छी एड़े बड़ मालिकंकर महाप्रसाद विषय कह का मुखर से शक्ति अच्छी अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक भगवान जगदीश्वर नाम तंकर जगन्नाथ किए दीनबंधु बोली डाकंती आउ किए भक्त आसिकी कहती कालियारे आउ किए आसिकी कहती जगा आउ किए आसिकी कहती चका नयन तेणु का किए केते प्रकार कथा कहती किंतु ये प्रभुंकर महाप्रसादर महिमा तेणु महाप्रसादर महिमा एते महिमामय ये महाप्रसाद महाप्रभुंकर याकू महाप्रसाद को आपण देखु केवल जदि आपण पाइले तो महा अहो भाग्यर कथा केवल आपको हाथ में धरीदे महाप्रसाद को केवल टी आप हाथ में धरीदे खाली ना ये जगन्नाथ महाप्रसाद माँ को केवल हाथ में टे धरी हाथ में धरीदे तेणु केवल प्रभुंकर ये महाप्रसाद को केवल जी हाथ में धरी सी चतुर्भुज नारायण जावत करे मत प्रसादम बरतते जस्य कस्य वा केड़े सुंदर कथा कहते भगवान कौन कहते ये भगवान ये रुद्रजाम तंत्र रे प्रमाण रुद्रजाम तंत्र जावत करे मत प्रसादम वर्तते जस्य कस्य वा तावत् चतुर्भुजो ज्ञेयः सदा भक्तैर् द्विजैर्मुने अर्थ कौन ना जे पर्यंत जे केही हस्तरे महाप्रसाद धारण करी थांती जे पर्यंत आज्ञा जी अभड़ा धरी थे मन रखंतु जे हातरे अभड़ा धरी छंती माने सी होती किए सी माने भगवान कहते जेपर्यंत जे कहीं हस्तरे मोर महाप्रसाद धारण करी थांती भक्त आउ वेदज्ञ ब्राह्मण से पर्यंत तंकु नारायण स्वरूप दर्शन करिवे ये रुद्रजाम तंत्र रे प्रमाण प्रभुंकर माने महाप्रसाद को जी हाथ में धरी देची सी हेला ना तेणु चतुर्भुज नारायण नारायण स्वरूप दर्शन करिवे जड़े अभड़ा जदि धरी आपण जानवे ये नारायण कारण महाप्रसादर ये महिमा ये प्रभुंकर महाप्रसादर महात्म्य अंत्यवरणी हीन वरण ही शंकर प्रभ भैरपी जैर्भुज्यते
ममार्नन्तु ते सर्वे मुक्तिभागिनः। अंत्यवर्ण हीनवर्ण संकर जाति जेपर्यंत मोर अन्न भोजन करिले जी जी होना कहीं यदि मोर केवल अन्न को भोजन करदेला मो प्रसाद महाप्रसाद सी कौन हला ना मुक्ति भागी हो जाती। तेणु देखु महाप्रसाद रते मान महात्म्य आ गोटे कथा मन रखत महाप्रसाद को केते बेले निंदा करिवे नाही काहेकि ना महाप्रभुंकर महाप्रसाद जी निंदा कर दिंती से भगवान निंदा करती आ भगवान कौन दर्शन रल सब ताठू नहीं जाए तेणु ममार्नं निंदे द्यस्तु मम निंदा करोति सह तेणु महाप्रसाद को निंदा करिवे नाही। प्रभुंकर महाप्रसाद आसुच्छ बोझरे भक्त मध्य दर्शन करुछंती अति आनंदर सहित एवं एठी अरुण स्तंभ पाखरे मध्य भक्त माने पतित पावन नारायण दर्शन करुछंती घरे मध्य मोर बापा माँ भाई भणी माने प्रभुंकर दर्शन करुछंती अकिंचन कथा को श्रवण करुथले तो समय त आसी आज्ञा उपस्थित अकिंचन बाणी को एठी विराम दबो कथा भितर आमे थिले आसंतु वर्तमान भजन भितर को जीवा भावपूर्ण भजन को श्रवण करिवा कंठदान करिछंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका प्रणम्य गायिका सुकंठी गायिका सुनाम धन्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण कंठरू जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।